What is up guys, मैं हूं सचिन जांगड़ा और आप लोग देख रहे हो सचिन बायो क्लासेस। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, सब लोग हेल्दी होंगे और सब लोग पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी करते हैं हमारी आज की वीडियो की बात। तो एज यू ऑल नो यार कि अभी MBBS अब्रॉड के लिए एडमिशंस आर गोइंग ऑन, एडमिशन प्रोसेस जो है वो चली हुई है अभी। और सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो किसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हर जगह से वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से गैदर करके उसके बाद एक यूनिवर्सिटी चूज़ करें, उसके बाद एक कंट्री चूज़ करें। एंड इसी बीच मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं एडमिशन रिगार्डिंग, करंटली कंट्री रिगार्डिंग और यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी, कौन सी कंट्री सही रहेगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। और उनमें से एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मेरे को लगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वो ये कि व्हाई डिड आई चूज विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। सब लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया आपने विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ही क्यों चुनी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उनका क्वेश्चन सही भी है अपनी जगह अगर देखा जाए तो, देर मस्ट बी ए रीज़न, हमेशा एक रीज़न होता है किसी भी चीज़ के पीछे। तो इस चीज़ के पीछे भी एक रीज़न होना चाहिए कि मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ क्यों करी। तो आज की वीडियो में यही सब बात करने वाला हूँ कि यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करी मैंने, कैसे यूक्रेन को मैंने फाइनली डिसाइड किया फॉर माय MBBS जर्नी। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, इट विल बी अ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार ये वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको सारी बातें शुरू से आपको बताना सही रहेगा, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर कोई चीज़ आपको नहीं बता सकता कि मैंने किस लिए ये यूनिवर्सिटी चूज़ करी थी और किस लिए मैंने यूक्रेन को फाइनल करा अपनी MBBS के लिए। तो जैसे ही मैंने नीट दिया, मैंने दो अटेम्प्ट थे मेरे नीट के, एंड मेरा जो स्कोर था वो इतना नहीं था कि मेरे को कोई गवर्नमेंट सीट मिलती इंडिया में। तो मेरे को एक्चुअली कोई एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, मेरे को पूरा भरोसा था कि मेरे को गवर्नमेंट सीट मिलेगी इंडिया में। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था MBBS अब्रॉड के बारे में, मेरा कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं था कि मेरे को MBBS अब्रॉड के लिए आना है। तो मेरे लिए एकदम जो बोलते हैं पूरा सरप्राइजिंगली सब कुछ हुआ और एकदम सडनली सब कुछ हुआ कि मेरे को MBBS अब्रॉड करना है, मतलब कोई कंट्री चूज करनी है अपनी MBBS करने के लिए और इंडिया से बाहर जाके मेरे को MBBS करना है, क्योंकि प्राइवेट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था प्राइवेट कॉलेज। तो उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता था MBBS अब्रॉड का, उसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं MBBS अब्रॉड करूंगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को कोई जानकारी भी नहीं थी MBBS अब्रॉड के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, कोई रिसर्च मैंने नहीं करी कि मेरे को MBBS अब्रॉड करना है, कौन सी कंट्री चूज करूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करूँ। तो जैसे ही मेरा स्कोर आया और मेरे को लगा कि अब मेरे को जाना है MBBS अब्रॉड करने, तो क्या होता है आपका जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है उसके बाद आपके पास मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कंसल्टेंट्स के। तो मेरे पास भी मैसेज आए, तो मैं ज़्यादा कंसल्टेंसी के पास नहीं गया, ज़्यादा लोगों से मैंने कंसल्ट नहीं करा फॉर माई MBBS अब्रॉड एडमिशन। एंड मैंने जिनका मेरे पास मैसेज आया मैंने उनसे कॉन्टेक्ट करा, उसके बाद मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मेरे को सबसे पहले मेरे को दोनेत्स्क की यूनिवर्सिटी जो है यूक्रेन की यूनिवर्सिटी है, तो उसका मेरे को इनविटेशन लेटर मिला, बट अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन से मेरे को वहाँ सीट नहीं मिली। एंड उसके बाद फिर दूसरी यूनिवर्सिटी आई टर्नोपिल, उसका भी मेरे को इनविटेशन लेटर मिला, बट वहाँ भी किसी अनफॉर्चुनेट रीजन से मैं नहीं जा पाया। एंड फाइनली थर्ड यूनिवर्सिटी आई विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका मेरा प्रोसेस सब कुछ सही रहा और यहाँ सीट भी थी यूनिवर्सिटी में और मेरे को यहाँ पर एडमिशन मिला। ठीक है, मैं जब इंडिया में था तो मेरे को इतना पता था कि यूरोप में मैं जा रहा हूँ तो MBBS मतलब काफ़ी अच्छी होगी, हालांकि उतना एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई रखी है सारी चीज़ों के ऊपर, उतना नहीं जितना आप सोच के आते हो वो सब नहीं आपको मिलता है यहाँ पे, बट स्टिल मेरे को लगा था कि मतलब यूनिवर्सिटी अच्छी है। एंड फॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा फॉर्चुनेटली कि मैं यहाँ पे आया और मेरे को यूक्रेन की मतलब जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तीन चार जो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक ये यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मेरे को एडमिशन मिला। एंड आपको शुरू में जब आप जाते हो यूनिवर्सिटी में तब आपको समझ नहीं आता कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, आजकल तो बच्चे फिर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं और बहुत अच्छी बात है वो, जितना ज़्यादा रिसर्च करके आप आते हो जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको एक साल या डेढ़ साल नहीं रहना होता, आपको पूरा 6 साल यहाँ पे अपनी पढ़ाई करनी होती है ना। तो ये बहुत क्रूशियल बन जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो यूनिवर्सिटी और कंट्री ढंग से डिसाइड करें। तो मैं इस यूनिवर्सिटी में आया एंड लकीली मैं बोलूँगा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी मिली है ना। अगर हो सकता है मेरे को कोई और यूनिवर्सिटी मिलती, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बुरी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, फिर मीडियम यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, फिर काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो विनित्सा का नाम वो सबसे ऊपर वाली लिस्ट में आता है
इसमें तो कोई शक नहीं, वेनेत्सा हो गया, लवीव यूनिवर्सिटी हो गई, टर्नोपिल हो गया, बुकोविनियन हो गई, ये तीन चार यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी हैं यूक्रेन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को लकीली यूनिवर्सिटी मिली वेनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो फाइनली यही बोलूंगा कि मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया था यहाँ पे आने के लिए कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जाना है या फिर मेरे को ये कंट्री डिसाइड करना है या ये नहीं करना है। मेरे को जो ऑप्शन मिला, मेरे जो कंसल्टेंट ने मेरे को सजेस्ट करा, मैंने उस चीज पे ट्रस्ट करा, उन जो मेरे कंसल्टेंट थे उन पे मैंने ट्रस्ट करा एंड मेरे को यूनिवर्सिटी मिली जो अच्छी थी। मतलब जो एक्सपेक्टेशन होता है वो तो नहीं मैं बोलूंगा कि मेरे को मिला उतना जितना मैं सोच के आया था कि ये सब चीजें होती हैं। MBBS अगर आप करोगे यूरोप से तो मतलब ये फैसिलिटी होगी, ये चीज होगी, क्लिनिकल एक्सपोजर ऐसा होगा वैसा होगा, वो चीजें नहीं होती, वो चीजें है भी नहीं। बट स्टिल और यूनिवर्सिटीज की अगर मैं सिचुएशन देखूं और यूनिवर्सिटीज से कंपेयर करूं तो काफी बेटर यूनिवर्सिटी है वेनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो मेरे को इस तरह से वेनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मिली। और रशिया की अगर मैं बात करूं तो रशिया में मेरे कुछ दोस्त भी हैं और कुछ रिलेटिव भी हैं, तो वहां पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है ना। आप रशिया के बारे में आप सर्च करोगे यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी, तो आपको ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉमन दिखेगी कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। मतलब बाइलिंगुअल होता है वहाँ पे सिस्टम कि कुछ सभी यूनिवर्सिटीज नहीं बट हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे ये इशू होता है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ वो हो, तो रशिया को मैंने पहले ही हटा दिया था अपने रास्ते से। एंड उसके बाद बचता था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मेरे को इनका भी कोई आइडिया नहीं था, बट मेरे को यूक्रेन सजेस्ट करा तो मैं यूक्रेन आ गया। बट आपके लिए एडवाइस यही है कि आप जितना रिसर्च कर सकते हो उतना रिसर्च करो, जितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो उतना करो। और आजकल तो वीडियोस बनाते हैं बहुत सारे बच्चे एंड मेरे को लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऑनेस्ट हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, तो उनसे कंसल्ट जरूर करो। अपने मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने कंसल्टेंट पे भरोसा मत करो, बट आंख बंद करके भरोसा मत करो। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, जैसे वेनेत्सा में मैं पढ़ रहा हूँ, और भी हैं जो वीडियो बनाते हैं, लवीव में भी कुछ बच्चे वीडियो बनाते हैं एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं यूक्रेन में भी, रशिया में भी, तो उनसे एक बार जेन्युइनली वो चीज़ पूछो कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ताकि आपको एक आपके दिमाग आपका प्लान हो जाए सब कुछ आपके दिमाग में कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, कि आपका एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा हाई था और आपको मिला कुछ नहीं, तो वो चीज़ ना हो आपके साथ। सर मेरे पास इतने सारे मैसेज आए हुए थे, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और मतलब यूट्यूब पे, मेरे से बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैंने वेनेत्सा ही क्यों चूज करा। तो होपफुली आपको इसका आंसर मिल गया होगा। देखो मैंने बेवकूफ़ी भरा काम करा कि मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मेरे को करना चाहिए था जो काम वो मैंने नहीं किया। बट लकीली किस्मत अच्छी थी कि मेरे को एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई। बट सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, तो इट्स बेटर कि आप लोग रिसर्च करके ही आएं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, मेरे से कंसल्ट करो। यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो एटलीस्ट है मेरे को आइडिया, बाहर का मेरे को नहीं होता आइडिया, तो मैं मना कर देता हूँ कि भाई मेरे को यूक्रेन से बाहर का ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो वहाँ भी बच्चे वीडियोज़ बनाते हैं, तो वहाँ आप उन लोगों से कंसल्ट करो एंड उसके बाद ही कोई यूनिवर्सिटी डिसाइड करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अभी आपको पता लग ही गया होगा कि मैंने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी, वेनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी और कैसे चूज़ करी, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है सचिन्स बायो क्लासेस, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर स्टडी मटीरियल रिलेटेड टू योर MBBS अब्रॉड। और बाकी जितने भी बच्चे आने वाले हैं MBBS अब्रॉड के लिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। आप अच्छे से आओ और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। मतलब आसान नहीं रहने वाली आप लोगों के लिए ये जर्नी, बट स्टिल आप लोग अच्छा ट्राई करोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, राइट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।